आज आपके लिए सेक्शन ऑफ सॉलिड का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि पिरामिड का है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ बेस साइड 30 mm एंड एक्सिस लेंथ 60 mm। ए हेक्सागोनल पिरामिड यानी पिरामिड जिसका एक बेस होता है और ऊपर एक एपेक्स या वर्टेक्स कह सकते हैं। इसका बेस साइड कितना 30 है, एक्सिस लेंथ कितना है 60 mm। इज रेस्टिंग इट्स बेस ऑन एचपी, इसका बेस कहाँ है एचपी में, एंड साइड इज ऑन एचपी, इसका साइड भी कहाँ है एचपी में। इसका बेस भी एचपी में हो और साइड भी एचपी में, यानी बेस भी एक प्लेन में है जो कि एचपी है और साइड भी उसी प्लेन में है। जहाँ बेस भी हो और साइड भी हो तो वहाँ वर्टिकल बनता है। कैसा बनता है? वर्टिकल। उसका बेस भी उसी में और साइड भी उसी में, तो वर्टिकल कहाँ बनेगा? तो एचपी में बनेगा। ठीक है, यहाँ तक सॉलिड क्वेश्चन है। सॉलिड यहाँ बनाएंगे जिस तरह सॉलिड में बनाते हैं उस तरह सॉलिड में यहाँ तक बनाएंगे। आगे देखते हैं। कहता है इट इज कट बाय ए सेक्शनल प्लेन, एक सेक्शनल प्लेन से एक पिरामिड को काटेंगे विच पासिस थ्रू द एक्सिस, जो कि उसका एक्सिस से पास कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 mm फ्रॉम द बॉटम, यानी बॉटम नीचे से कितना, 30 mm। मान लिया जाए नीचे से 30 mm है, 30 mm इसका एक्सिस, यानी एक्सिस में सेंटर लाइन जो पेंसिल का ये देख रहे हैं, ये इसका एक्सिस हुआ जिस तरह से ये फिगर का है, उसी तरह वो पिरामिड का एक्सिस से पास कर, इंक्लाइन कितना है 30, यानी बेस से 30। सपोज यहाँ से यहाँ का 60 दूरी है, यहाँ से यहाँ का 60 दूरी है, तो इसके आधा पे यानी 30 दिया हो तो नीचे से 30 इंक्लाइन एंगल कितना बोल रहा है, एंगल बोल रहा है 30 डिग्री। एंगल भी क्या बोल रहा है, 30 डिग्री टू द किससे, एचपी से, तो नीचे से यानी पूरा 60 का और नीचे से 30 लेके कट करेंगे कितना डिग्री, 30 डिग्री। इस तरह से कट के ऊपर वाले को उठा के फेंक देंगे, उसका कोई काम नहीं है। अब ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू, टॉप व्यू सेक्शनल टॉप व्यू एंड ट्रू शेप। आपको बताया था कि आपको इसका काटने के बाद फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा और काटने के बाद टॉप व्यू कैसा दिखेगा। ट्रू शेप के बारे में यहाँ पर नहीं बताएंगे, सजावट का काम है, बनाने से वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब हेक्सागोनल पिरामिड है, बेस पिरामिड को एक बेस होता है सिर्फ, ऊपर जाके सब वर्टेक्स या एपेक्स इस तरीके से रहेगा, इस तरह से इसमें सब ऐसे ऐसे जाके मिलता है। बेस साइड 30 है, एक्सिस लेंथ यानी उसका हाइट हुआ 60 है, बेस इज ऑन एचपी, साइड यानी जिसका बेस भी एचपी में और साइड भी एचपी में, तो वर्टिकल बनेगा। कैसा बनेगा? वर्टिकल बनेगा एचपी में। ठीक है, यहाँ तक सॉलिड का हुआ। अब आगे यहाँ तक सॉलिड आप बनाइए, उसके बाद सेक्शन ऑफ सॉलिड का भी बता देंगे। सबसे पहले एक्सिस लाइन ले लिए, नीचे एचपी ऊपर वीपी हो गया। वर्टिकल के लिए हेक्सागन बनाना है तो 30 डिग्री का लेके हम बनाते हैं, 30 डिग्री चाप। तो सबसे पहले एक सेंटर ले लिए स्पेस में, जिसका ओ नेम दे दिए इस तरीके से, इसका जो लिए हैं 30 mm ले रहे हैं, यूँ वर्टिकल होगा इसलिए वर्टिकल लाइन देंगे। आपको पता है कि वर्टिकल के लिए यूँ और इधर यूँ और यूँ। इस तरह के मिलाए, फिर इधर मिलाएंगे यूँ, फिर इसी के एक्सिस के पैरेलल और ये
और ये फिर एक्सिस के पैरेलल यूँ इस तरह से हेक्सागन का हम इसका नेमिंग करेंगे, ए बी यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एफ हो गया। पता है आपको कि पिरामिड में सारे साइड ऊपर जाके मिल जाते, इधर से यूँ, इधर से यूँ यूँ, तो इसलिए इसका इस सारे को मिलाएंगे, मिलाएंगे कैसे, जैसे यूँ इसको इससे मिलाएंगे, और ठीक है, प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, नीचे से देखेंगे तो यहाँ ये आएगा, ये यूँ प्रोजेक्ट हुआ और ये यूँ प्रोजेक्ट हुआ, यहाँ आपका होगा ए डैश, बी डैश, सी डैश, एफ डैश, यहाँ पे डी डैश, ई डैश, यहाँ ओ डैश देंगे और ये एक्सिस से इसको देखिए, इसको 60 कितना एक्सिस लेंथ है, 60, तो एक्सिस से 60 लेंथ पे इसके यू मिलाएंगे, ये डॉटेड नहीं होगा क्योंकि नीचे से देखेंगे तो सी का लाइन में इसी से क्रॉस करेगा, एफ का लाइन से, इसलिए डॉटेड नहीं होगा। अब ए डैश बी डैश को यू मिलाएंगे, डी डैश सी डैश को यू मिलाएंगे, और यू ये हो गया। इसका हेड कितना है, 60, 60 इधर दिखाएंगे, दिखाने का जगह नहीं इसलिए दिखाएंगे मैं नहीं। यहाँ तक सॉलिड बन गया है, यहाँ तक सॉलिड बन गया है, जिस तरह प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में बनाते थे उससे सेक्शन ऑफ सॉलिड में सॉलिड बना। अब सॉलिड को काटना है, कटना कितना से कहता है कि बॉटम, बॉटम से 30, तो यहाँ से 30 मेजरमेंट कर लेंगे, तो यहाँ से 30 मेजरमेंट करते हैं, देखिए यहाँ से 30 आपको इस पॉइंट पर आया, कितना डिग्री बोल रहा है इसमें, इसका इसके पैरेलल इसमें डिग्री बोल, 30 डिग्री बोल रहा है, तो इसको यूँ लेके कितना भी डिग्री बोल रहा है, 30 डिग्री लीजिए, टेन, 20 और 30 डिग्री इसका यहाँ पे आया। अब इसको कट कीजिए, ये कट के ये पार्ट को हटा के फेंक देना, इसका कोई ज़रूरत नहीं, ये पार्ट का ज़रूरत है, नीचे वाला काटने का, नीचे वाला। यहाँ पर देखिए ओ डैश ए डैश या ओ डैश बी डैश दोनों लाइन है, तो ओ डैश ए डैश को ये जो सेक्शनल प्लेन इस पॉइंट पे काटा, इस पॉइंट पे काटा, तो आपको इसको प्रोजेक्ट करके ले जाना, जो कि आपको 4H पेंसिल का इस्तेमाल करना है, 4 ये एक्सिस, ये इसको ले जाना है ओ ए तक, कहाँ तक ले जाना आपको, 4H का ओ ए तक, ठीक है, ओ ए तक आप ले जाएंगे, और इस ओ बी, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, एक डैश। देखिए ओ बी भी आता तो ओ बी इसको सीधा एक बार प्रोजेक्ट करके आपको ले जाना है ओ बी तक, मैं सिखाने के लिए बार बार दो बार किया हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डैश, यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी यहाँ पे पॉइंट मिला 1 और यहाँ पे पॉइंट मिला आपको 2। अब पॉइंट 3 के लिए देखिए ओ सी, ओ डैश सी डैश, ओ डैश एफ डैश को लाइन को ये कटिंग प्लेन इस जगह पे काट रहा है, तो इसको जो आप प्रोजेक्ट करेंगे तो ये कहीं पे मिल रहा है ओ सी को, ये आपको नहीं मिल रहा, पूरा क्रॉस एक चल रहा, देखिए ओ एफ ओ सी को ये कहीं पर नहीं, जिस तरह से यहाँ पे काटा नहीं काटा, तो इसके लिए दूसरा टेक्निक लगाएं। दूसरा टेक्निक ये है कि ये जो मेरा जहाँ पर डिग्री लिए थे इसको क्या इसी के पर यूँ बढ़ा देंगे, कहाँ पर ले गए, ओ ओ डैश ए डैश या ओ डैश बी डैश दोनों पर लाएँ, तो इसको इस जगह पर कट किया,
कटिंग यहाँ पर हुआ इस जगह पर, इसको प्रोजेक्ट करके आप ले जाइएगा ओ ए पर, कहाँ पर ले जाएगा ओ ए या ओ बी तक, देखिए ओ आप इसको प्रोजेक्ट करके लाइए ले जाइए कहाँ तक ले जाना है, ये ओ डैश ए डैश या ओ डैश बी डैश, इसलिए ओ डैश ए डैश बी वहीं पर ले जाना यानी ओ ए ओ बी पर ले जाना। क्यों देखिए 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 एक ही बार में ए पर और बी पर चला गया, ठीक है। इसको जो आप प्रोजेक्ट करके ले गए हैं 4H पेंसिल से यानी ओ ए और ओ बी लाइन पे यहाँ पे कट कर रहा है, इसलिए इसको ओ ए ओ बी तक ओ ए ओ बी यानी यहाँ तक ले आए और यहाँ पे कंपास लगा के यहाँ का दूरी ले लेंगे, ठीक है। और इधर एक बार सी के तरफ एक बार एफ के तरफ घुमाएंगे, तो आपको देखिए यहाँ से यहाँ का दूरी ले लिया और एक बार देखिए यूं और यूं देखिए, ठीक है, यूं और यूं इससे इस पॉइंट पे कट किया यानी ये आपका पॉइंट थ्री हो जाएगा, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा थ्री और ये पॉइंट आपका हो जाएगा सिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप थ्री डैश और यहाँ थ्री लिख जाएंगे, आगे उधर सिक्स लिखेंगे मैं, देखिए ओ डी ओ ई को यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसको ओ डी से इसको प्रोजेक्ट कीजिए आप ओ डी ओ ई तक ले जाइए आप 4H पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए, ये ओ डी और ओ ई तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फोर पॉइंट और यहाँ पे आपका हो जाएगा फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पर आपका हो जाएगा फोर डैश, यहाँ पे हो जाएगा आपका फाइव डैश, सिक्स डैश के लिए जब इससे सिक्स ओस एफ को यहाँ पे कट रहा पूरा लाने के बाद को नहीं मिला तो इधर इसको बढ़ाए थे और यहाँ ले जाके यहाँ यहाँ कंपास है और इसका पेंसिल लेके यूं किए थे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिक्स सिक्स और ये हो जाएगा आपका सिक्स डैश। ये हुआ नंबरिंग से, आप एक को दो, दो को तीन, तीन को चार, चार को पाँच, पाँच को छः, छः से मिलाएंगे, एक को दो, दो को तीन, तीन को चार, चार को पाँच, पाँच को छः और छः को फिर एक से मिलाएंगे, यहाँ पर एक को दो, दो को तीन, ये गलती से हो गई यहाँ पे, एक को दो, ये एक है, एक को दो, दो को तीन, तीन को चार, चार को पांच, पांच को छह, छह छह को एक से मिलाए, ठीक है। अब इसको शेडिंग करेंगे, शेडिंग करेंगे यूं और यूं, 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 फिनिश।